हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। एक बार सभी स्टूडेंट्स, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिल्ली एनसीआर, क्योंकि जहां से हर बार हरियाणा के हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा समय नहीं लेते सीधा अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, दिल्ली एनसीआर का गठन कब हुआ? दिल्ली एनसीआर का गठन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, 1985, 1985 में किसका गठन होता है, दिल्ली एनसीआर का गठन होता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हरियाणा का कितने प्रतिशत भाग दिल्ली एनसीआर में आता है? तो उस समय राइट आंसर क्या रहेगा आपका, हरियाणा का कितने प्रतिशत भाग दिल्ली एनसीआर में आता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 57, 57% भाग दिल्ली एनसीआर में आता है। और कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया। अगर आपसे पूछा जाए, यहीं से उल्टा किया जा सकता है, आपसे पूछा जाए दिल्ली एनसीआर में कितने प्रतिशत भाग नहीं आता, तो आपने कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि मुझे भी कंफर्म होगा आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अगर वीडियो चलाकर छोड़ देते हो तो भाई ध्यान नहीं दोगे, तो सिलेक्शन कैसे होगा आपने कमेंट्स करके बताना है। दिल्ली एनसीआर में 57% भाग दिल्ली एनसीआर में आता है, कितने प्रतिशत भाग नहीं आता आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना है। आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले आते हैं? दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले आते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, तो हरियाणा के कितने जिले भाई, देखिए यहां से दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो हरियाणा के कितने जिले आते हैं, तो 14 जिले आते हैं। ये कब आते थे 14 जिले, 2016 के बाद। कब? 1 दिसंबर 2016 के बाद हरियाणा के कितने जिले, तो 14 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। अगर पूछा जाए 1 दिसंबर 2016 से पहले दिल्ली एनसीआर में कितने जिले आते थे, तो 13 जिले आते थे। क्लियर है? ये 14वां जिला हरियाणा का नया जिला जो दिल्ली एनसीआर में ऐड हुआ, कौन सा हुआ भाई, हरियाणा का 22वां जिला दिल्ली एनसीआर में ऐड होता है, तो कौन सा भाई? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, चरखी दादरी। कौन सा? चरखी दादरी। जो हरियाणा का 22वां जिला बना है वो दिल्ली एनसीआर में ऐड हुआ, वो कौन सा जिला था हरियाणा का, 14वां जिला कह सकते हैं जो दिल्ली एनसीआर में ऐड हुआ। इससे पहले कितने जिले थे, तो 13 जिले, आपका राइट आंसर होता है। आगे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दिल्ली एनसीआर में कौन सा भाग आएगा? देखिए मान लीजिए ये क्या है आपकी दिल्ली, ठीक है, यहां से हम ऐसे मैप बनाते हैं, ये पढ़ते हैं, ये मुख्य पॉइंट क्या है आपका, दिल्ली वाला क्षेत्र है। देखिए भाई दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में आएगा। तो आपसे पूछा जाता है दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कुल कितने जिले नहीं आते, तो देखिए भाई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, और पूछा भी गया एग्जाम के अंदर दिल्ली एनसीआर में, एनसीआर में कितने जिले नहीं आते हरियाणा के? तो आपका राइट आंसर क्या रहता है, 8 जिले दिल्ली एनसीआर में नहीं आते, 8 जिले दिल्ली एनसीआर में नहीं आते। 8 कैसे कह सकता हूं, देखिए हरियाणा के टोटल कितने जिले हैं, 22 जिले हैं, तो दिल्ली एनसीआर में आते कितने हैं, 14 जिले आते हैं, तो फिर इससे माइनस कर दीजिए भाई, कितने आ जाएंगे, 8 जिले, 8 जिले हैं वो दिल्ली एनसीआर में नहीं आते। अब 8 जिले कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से नहीं आते, देखिए अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के पश्चिम दिशा में, हरियाणा की पश्चिम दिशा में दिल्ली एनसीआर में कितने जिले नहीं आते, तो 3 जिले नहीं आते भी। 3 जिले कैसे, जो दिल्ली से दूर होंगे वो दिल्ली एनसीआर में नहीं आएंगे। तो पश्चिम दिशा में देखिए कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो आपका सिरसा जिला आता है, हरियाणा के पश्चिम दिशा में कौन सा जिला आता है, सिरसा जिला आता है। सिरसा के साथ में लगता कौन सा जिला आता है, फतेहाबाद आता है। फतेहाबाद के साथ लगता हरियाणा का कौन सा जिला भाई, हिसार जिला आता है। तो हिसार का भी कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा दिल्ली एनसीआर में आता है, निम्न में से कौन सा दिल्ली एनसीआर में नहीं आता, तो अगर ऑप्शन में हिसार मिले तो नहीं आता भाई, ठीक है। पश्चिम दिशा से 3 जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आता। अगर पूछा जाए हरियाणा के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में कितने जिले दिल्ली एनसीआर में नहीं आते, तो आपका राइट आंसर क्या रहता है, 8 जिले नहीं आते। 8 कौन कौन से भी देखिए, एक तो आपका जिला आता है पंचकुला,
हरियाणा का पंचकुला जिला हरियाणा के उत्तरी बिंदु में है, तो दिल्ली से बहुत दूर है, तो दिल्ली एनसीआर में नहीं आएगा। फिर पंचकुला के साथ में कौन सा आता है भाई? अंबाला। पंचकुला के साथ में कौन सा आता है? अंबाला भी दिल्ली से दूर है, नहीं आएगा। फिर कौन सा आएगा? यमुना नगर। कौन सा आएगा भाई? यमुना नगर आएगा, ये भी दिल्ली से दूर है। तीन भाई भाई है, याद कर लेना, तो दिल्ली से दूर है, नहीं आएगा। अब दो कौन कौन से रह गए? एक तो धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र दिल्ली एनसीआर में नहीं आएगा, दिल्ली से दूर है। और कौन सा नहीं आएगा भाई? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, कुरुक्षेत्र के साथ में कौन सा आ जाएगा? कैथल आ जाएगा। कुरुक्षेत्र के साथ में कौन सा आ जाएगा? कैथल आ जाएगा। ये पांच जिले देखिए भी, कितने टोटल आठ हुए, ये पांच जिले आएंगे यहाँ पर। कितने? पांच, ठीक है, पांच जिले आएंगे। पांच जो जिले हैं उत्तर दिशा में दिल्ली एनसीआर में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि दिल्ली से दूर है। पश्चिम दिशा से कितने भाई? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, तीन जिले नहीं आएंगे। टोटल पूछा जाए कितने जिले नहीं आते, तो आठ जिले नहीं आते। फिर आप कहोगे आते कितने जिले हैं भाई? तो देखिए 14 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? हरियाणा के कितने जिले भाई? 14 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। अब आप कहोगे दिल्ली एनसीआर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा दो। NCERPV, इसका मतलब भी आपने बता देना है, अगर कमेंट में बता दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है भाई। चलो इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, हिंदी में आपने कमेंट करके बताना है क्या होता है। नेशनल कैपिटल रीजन पब्लिक बोर्ड, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन पब्लिक बोर्ड, ये दिल्ली एनसीआर का जो नाम है दिया गया पूरा। लेकिन अगर बात की जाए हिंदी में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना आयोग हम कह सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से आते हैं देखिए भी, कौन कौन से आएंगे। पहले तो दिल्ली के आसपास का अक्षेत्र देखते हैं। देखिए सबसे पहले दिल्ली के दक्षिण दिशा में जाएं तो कौन सा आ जाएगा भाई? आपका राइट आंसर होगा फरीदाबाद। दिल्ली के बिल्कुल पास में है तो दिल्ली एनसीआर में आएगा। फरीदाबाद के बाद देखिए नीचे की तरफ और जाते हैं, कौन सा आएगा भाई? पलवल। पलवल भी आएगा। उसके बाद देखिए पलवल के साथ लगता कौन सा, अब हम नू कहेंगे, पहले मेवात होता था, जिस समय 4 अप्रैल 2005 में, उससे पहले सत्यम मेमपुर होता था। उसके बाद देखिए भाई जो आपको याद हो आसपास का क्षेत्र, उसके बाद देखिए भाई कौन सा आ जाएगा, नू के साथ लगता रेवाड़ी जिला आ जाएगा। कौन सा जिला आ जाएगा? रेवाड़ी जिला आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखते हैं पांच नंबर पे, देखते हैं फिर दिल्ली के साथ कौन सा आता है, गुरुग्राम आएगा। तो गुरुग्राम दिल्ली के साथ लगता है तो दिल्ली एनसीआर में आएगा। गुरुग्राम के साथ लगता कौन सा आएगा? झज्जर जिला आएगा। कौन सा भाई? झज्जर जिला आएगा, दिल्ली एनसीआर में आएगा। उसके बाद देखिए फिर हम थोड़ा सा और आगे की बढ़े या झज्जर से ऊपर की ओर बढ़े तो कौन सा आता है? सोनीपत आएगा। कौन सा आएगा भाई? सोनीपत आएगा। तो फिर सोनीपत के साथ लगता कौन सा जिला आएगा? तो पानीपत भी आएगा। पानीपत भी आएगा सोनी के साथ के लगता है। उसके बाद नंबर 9 पे पानीपत के साथ कौन सा भाई? करनाल जिला लगता है, तो करनाल जिला भी आएगा। फिर नंबर 10 पे देख लेते हैं कौन कौन सा आएगा। देखिए भाई जो पास में रह गया कौन सा रह गया, एक तो इधर झज्जर के साथ कौन सा रह गया? रोहतक रह गया। कौन सा रह गया? रोहतक। फिर 11 नंबर पे देख लेते हैं कौन सा भाई, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल जिसे जींद कहा जाता है भाई, तो वो भी रह गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन कौन सा, अगर 12 नंबर पे देखा जाए जींद के साथ कौन कौन सा रह जाएगा, तो देखिए भाई एक आपका कौन सा रह जाएगा, महेंद्रगढ़। कौन सा रह जाएगा? महेंद्रगढ़ जिला रह जाएगा, महेंद्रगढ़ जिला। फिर आप कहोगे उसके बाद भी नंबर 13 पे भिवानी जिला आ जाएगा। कौन सा जिला आ जाएगा? भिवानी जिला आ जाएगा। और भिवानी से अलग हुआ हरियाणा का 14वां जिला कौन सा आ जाएगा? चरखी दादरी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा भाई? चरखी दादरी आ जाएगा। ये हरियाणा के 14 जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता, वो मैंने आपको बता दिया था, इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है। आगे की ओर बढ़ता हूं, देखिए आपसे पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। अगर पूछा जाए दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में कुल कितने जिले आते हैं, भारत के कुल कितने जिले आते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 24 जिले आते हैं मेरे भाई, 24 जिले। देखिए हरियाणा के कितने आते हैं, तो हरियाणा के आते हैं 14 जिले। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी के कितने आते हैं मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के कितने आते हैं, तो 8 जिले आते हैं। अगर पूछा जाए राजस्थान के कितने आते हैं, राजस्थान के भाई 2 जिले आते हैं,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो जिले कौन कौन से है राजस्थान के, आपसे पूछा जाएगा। एक तो भरतपुर, कौन कौन से है, एक तो भरतपुर है, भरतपुर के साथ साथ आपका राइट आंसर क्या रहेगा, अलवर। ये दो जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में भी अभी आपको चर्चा करने वाला हूं। लेकिन हरियाणा के 14 जिले में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, 2013 में हरियाणा के कौन कौन से जिले दिल्ली एनसीआर में जोड़े गए मेरे भाई। तो कौन कौन से जोड़े गए थे, एक तो आपका भिवानी जोड़ा गया था, कौन सा भिवानी, भिवानी के साथ साथ कौन सा आपका महेंद्रगढ़ जिला, कौन सा महेंद्रगढ़ जिला, ये कब 2013 में जोड़े गए थे। अगर आपसे पूछा जाए 9 जून 2015 को, अगर आपसे पूछा जाए 9 जून 2015 को हरियाणा के कौन कौन से जिले दिल्ली एनसीआर में जोड़े गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जींद व करनाल, किसको भाई, जींद व करनाल को दिल्ली एनसीआर में जोड़ा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन और कहां कहां से पूछे जा सकते हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश के कितने जिले, 8 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने भाई, उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। 8 जिले कैसे याद करोगे, तो आपका राइट आंसर देखिए कैसा होगा। देखिए सबसे पहले याद क्या करोगे, मेरठ, मेरठ को याद कर लेना। आगे क्या आ जाएगा, भागपत, आगे क्या आ जाएगा भाई, भागपत। उसके बाद गाजियाबाद, किसमें आता है, केजीपी आपको पढ़ाया हुआ है, गाजियाबाद, केएमपी भी आपको पढ़ाया हुआ है। गाजियाबाद के बाद हापुड़, हापुड़ कहां पर, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बुलंदशहर, कौन सा आ जाएगा भाई, बुलंदशहर, कौन सा आ जाएगा, बुलंदशहर। उसके बाद मुजफ्फरनगर, कौन सा आ जाएगा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद भाई गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के बाद कौन सा आ जाएगा, शामली, शामली भी आपने पढ़ा होगा, शामली, शामली को कब जोड़ा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 5 सितंबर 2017 को शामली को किसमें, दिल्ली एनसीआर में जोड़ा गया था। ये 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मस्त रहा करो, बाय बाय, टेक केयर।